जो राजद के सिटिंग एमएलए थे 2020 में जिन्होंने चुनाव जीता था, उनकी सदस्यता खत्म हुई तो फिर उनकी पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? मोकामा की सीट जो है वो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को गया, मतलब वो वहां से प्रत्याशी बनेगी। अब गोपालगंज की बात कीजिए तो गोपालगंज में बीजेपी के सुभाष सिंह थे, सहकारिता मंत्री रहे, चार बार विधायक रहे, उनकी पत्नी कुसुम सिंह को सीट दिया था, मतलब वो वहां से चुनाव लड़ रही है। ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है जो मनोज कुशवाहा जो प्रत्याशी है जनता दल यूनाइटेड से, उनके खिलाफ शायद माहौल बने। अगर कुंडली विधानसभा में बनिया और कुमियार का वोट एक साथ नहीं गया तो बीजेपी वहां पे हार रही है। और नीलाभ कुमार सबसे बड़ा टेंशन बनने वाले हैं बीजेपी के। नीलाभ कुमार सबसे बड़ा टेंशन इसलिए बनेंगे, बुनियाद समाज से हैं, क्षेत्र में खूब काम किए हैं पिछले 10 सालों से, आप उनको सोशल मीडिया बता कर देंगे। ये लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा बीजेपी का कुंडली उपचुनाव में कि कितने वहां पर वैश्य और बुनियाद समाज में एकता है। सहनी समाज इस बात से बहुत उद्वेलित है कि आखिरकार क्यों मुकेश सहनी जो है वो किसी सहनी को, सहनी वोटर भी है वहां पे, बुनियादों तो बहुत कम नहीं है, 35,000 का अंतर है, तो क्यों नहीं सहनी को उतारा कि आप मलाहों के बेटा कहलाते हैं, सब मल्लाह करते हैं, इसलिए भूमिहार वोट बने हैं, उनको 10-15,000 मिल जाए, लेकिन सहनी वोट जो उनको मिलने वाला भी था अगर वो सहनी उतारते वो आप चला जाए। देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर कुढ़नी में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं और वहां से जो खबरें आ रही है कि सभी पार्टियों को अपने कैंडिडेट से नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। ऐसे क्यों खबरें आ रही है? क्योंकि वहां पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, महागठबंधन से जदयू की इस बार सीट गया है और लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि वहां के लोग आरजेडी से खफा भी चल रहे हैं। तो तमाम समीकरण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ गए हमारे सहयोगी उदित जी। उदित जी, जो खबरें आ रही हैं कि लोग नाराज चल रहे हैं, प्रत्याशियों से पार्टियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सत्तारूढ़ दल यानी महागठबंधन की जनता दल यूनाइटेड, वहां से प्रत्याशी बनाए गए मनोज कुशवाहा। अब खबरें ये है और चर्चा है, और ये चर्चा आम चर्चा है कुंडली में कि जिस तरह मोकामा में मोकामा की सीट जो है वो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को गया, मतलब वो वहां से प्रत्याशी बनाएंगे। अब गोपालगंज की बात कीजिए तो गोपालगंज में बीजेपी के सुभाष सिंह थे, सहकारिता मंत्री रहे, चार बार विधायक रहे, उनकी पत्नी कुसुम सिंह को सीट दिया था, मतलब वो वहां से चुनाव लड़ रही थी। तो जो वहां पर सिटिंग एमएलए थे उनकी पत्नियों को टिकट दिया गया। आखिरकार जो अनिल सहनी जो राजद के सिटिंग एमएलए थे 2020 में जिन्होंने चुनाव जीता था, उनकी सदस्यता खत्म हुई तो फिर उनकी पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये बड़ा सवाल है जो कुंडली की जनता इसका जवाब चाह रही है। इसके बाद एक और बात समझिए, राजद के जो वोटर्स है वो भी बहुत नाराज चल रहे हैं जेडीयू प्रत्याशी से। कारण दो है, पहला कि एक तो सीट चला गया जेडीयू को, अब आप बोलिएगा कि भाई दो सीट अगर पहले से राजद लड़ी है गोपालगंज और मोकामा तो फिर ये सीट किसको जाना चाहिए था? जवाब इसका होगा कि मोकामा तो सिटिंग सीट था आरजेडी का, और गोपालगंज की अगर आप बात कीजिए तो गोपालगंज में चार बार से रियाजुल हक राजू लड़ रहे थे चुनाव, जेडीयू वहां पर कभी फाइट में रही नहीं है, तो वो सीट भी नैसर्गिक तरीके से या गणित से, जातीय गणित से, जातीय समीकरण से भी वो सीट जो है वो राजद को ही जाना चाहिए था। तो कुर्नी इस चीज को बस बैलेंस करने के लिए कि महागठबंधन में सीटें सिर्फ आरजेडी को नहीं जा रही है, इसके चलते सीट जेडीयू को चला गया। और अब जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जो है उन्होंने 2020 के चुनाव में खूब अनाप शराप उन्होंने बोला था इनके खिलाफ 15 में आरजेडी के खिलाफ, लगातार उनका 15 का देखिए 20 का या बार बार वो आरजेडी के खिलाफ ही कैंपेन ज्यादा किए। तो अब ऐसी स्थिति में सवाल यह है, 15 तो नहीं कह सकते, 15 में चुनाव तक साथ में लड़े थे ये लोग, लेकिन उसके बाद से जो गतिविधियां हुई मनोज कुशवाहा की वो लगातार ऐसी ही रही। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि आरजेडी के जो वोटर्स है वो काफी नाराज चल रहे हैं जेडीयू के प्रत्याशी से, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इस सीट जो है, अब देखिए इसमें एक नाम मैं लूंगा, शेखर सहनी आरजेडी के वहां के क्षेत्र के उस क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। अब वो भी ये बात कह रहे थे कि उम्मीद तो थी कि सीट आरजेडी को जाएगी और अनिल सहनी की पत्नी को टिकट मिलेगा, हालांकि शेखर सहनी खुद के टिकट के चक्कर में भी थे, लेकिन उनको टिकट ये ज्यादा उनको उम्मीद था कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाएगा अनिल सहनी के, लेकिन नहीं मिला। तो ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है जो मनोज कुशवाहा जो प्रत्याशी है जनता दल यूनाइटेड से, उनके खिलाफ शायद माहौल बने। लेकिन माहौल सिर्फ उन्हीं के खिलाफ नहीं बन रहा है, माहौल वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ भी बन रहा है, और माहौल वहां पर मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी है नीलाभ कुमार जो साधु शरण शाही जो अंतिम भूमिहार विधायक हुए 1990 में कुंडली से, उनके खिलाफ भी बन रहा है। कैसे बन रहा है? जेडीयू की बात हमने कर ली,
अब बीजेपी फैक्टर को समझिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि वहां पर वैसे बनाम भूमिहार है जो कई दशक से चलते आ रहा है, मतलब बनिया वोट और भूमिहार वोट कभी भी एक पार्टी को बहुत मुश्किल से पड़ता है। उस स्थिति में ये दोनों अगर साथ इस बार गिरा बीजेपी को तो बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता वहां से जीत जाएंगे और नहीं तो उनकी हार सुनिश्चित है। अगर कुंडली विधानसभा में बनिया और भूमिहार का वोट एक साथ नहीं गया तो बीजेपी वहां पे हार रही है और नीलाभ कुमार सबसे बड़ा टेंशन बनने वाले हैं बीजेपी के। नीलाभ कुमार सबसे बड़ा टेंशन इसलिए बनेंगे, भूमिहार समाज से हैं, क्षेत्र में खूब काम किए हैं पिछले 10 सालों से, आप उनको सोशल मीडिया उठा कर देखिए, लगातार क्षेत्र में काम करते रहे हैं, सभी के घर गए हैं, घर से घर कनेक्शन है उनका। और जो 35-40 हजार भूमिहार वोट है आप अनुमान लगाकर चलिए, अगर उसमें से 10 से 15 हजार भूमिहार वोट अनिल सहनी काट ले रहे हैं तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा। 1700 वोटों से हार गए आपको मोहन प्रसाद गुप्ता गोपालगंज, फिलहाल 10-15 हजार वोट की बात चल रही है। इसके अलावा सहनी जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर रहे हैं, भाई अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, समझिए इस बात को, अजय निषाद को पूरा जो सहनी समाज है मल्लाह केवट बिंद मछुआरा जो समाज है वो नेता मानता है उस क्षेत्र में, वो अगर वहां पर जमकर कैंपेनिंग नहीं किए तो आप मानकर चलिए तो वहां पर 30-35 हजार सहनी वोट है, मल्लाह वोट है, उसमें भी बड़ा सेंध मारे मुख्य सहनी करके ले जाएंगे। ये दोनों वोट का जो डैमेज है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। चूंकि केदार प्रसाद गुप्ता वहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं और वैश्य समाज वैसे भी बनिया समाज वैसे भी बीजेपी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं, उनके कोर वोटर माने जाते हैं, तो वो वैसे भी बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन भूमिहार और सहनी फैक्टर जो है ये बहुत भारी पड़ सकता है केदार प्रसाद गुप्ता को। एक बात और इसमें जोड़ दूं कि ये लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा, ये लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा बीजेपी का कुढ़नी उपचुनाव में कि कितने वहां पर वैश्य और भूमिहार समाज में एकता है। दोनों हालांकि बीजेपी के ही वोटर है लेकिन दोनों साथ में रहते हैं सभी जगह पर, लेकिन कुढ़नी में वो फैक्टर काम नहीं करता है। कुढ़नी में हमेशा से बीजेपी के अंदर भूमिहार वर्सेस बनिया चलते रहता है, तो केदार प्रसाद गुप्ता कितने प्रभावी है भूमिहार समाज पर, कितना वो भूमिहारों को अपने पक्ष में कर पा रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा कितना वहां पे सार्थक रूप से काम कर पा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आपको याद होगा मोकामा का उपचुनाव कुर्मी कुशवाहा धानुक वोटर छटक गए, बीजेपी की तरफ चले गए, किसके वोटर है जेडीयू के, तो ये कोई पार्टी दावा अगर कर रही है कि ये हमारे ही वोटर है और हम ही को वोट करेंगे तो ये करो, ऐसा नहीं होता है, मुकामा तो उसका लाइव एग्जांपल है। इसके अलावा आप एक और फैक्टर समझिए, अब हम बात कर ले अगर वीआईपी की, जेडीयू का एक बार और हम जिक्र कर लेते हैं इससे पहले कि जेडीयू को एक और नुकसान क्या हो सकता है। तो जेडीयू को ये नुकसान हो सकता है कि इस बार आरजेडी फाइट में है ही नहीं, मतलब राजद वहां से चुनाव ही नहीं लड़ रही है। दूसरी तरफ जो 25,000 मुस्लिम मतदाता है वहां उनको एकदम ओपन ग्राउंड है कि वो जिधर जाए उधर वोट कर सकते हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं को जब एकदम ओपन ग्राउंड मिलेगा वोट करने के लिए और वहां पे कोई आरजेडी का प्रत्याशी नहीं है और वहां से AIMIM चुनाव लड़ रही है, गुलाम मुर्तजा वहां के कैंडिडेट बनाए गए हैं, तो 25,000 में आप मान कर चलिए कि 20,000 के आसपास वोट जो है वो गुलाम मुर्तजा को चला जाएगा, तो ये भी किसको नुकसान है, जेडीयू को। तो जेडीयू को भी नुकसान चौतरफा है और बीजेपी के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक तरफ भूमिहार प्रत्याशी है नीलाभ कुमार, सहनी वोट कट रहा है, अजय निषाद कितने बड़ा फैक्टर बनेगी, ये तमाम मसलों के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन वहां पर जीत रहा है। अब मुकेश सहनी पर आइए, मुकेश सहनी को ये दर्द झेलना पड़ेगा सहनी समाज का, शुरू से इन्होंने सवर्ण विरोधी राजनीति ही की है, हमेशा से अति पिछड़ा आरक्षण, मल्लाहों के आरक्षण, मल्लाहों के तालाब का पुनर्निर्माण यही सब जिक्र करते आए हैं और उसमें इन्होंने टिकट किसको दे दिया, नीलाभ कुमार को टिकट दे दिया, तो सहनी समाज भी इस मतलब कह सकते हैं मूव से इस तरह के जो एक्टिविटी हुआ है, जो ये जो प्रत्याशी को टिकट दिया गया है मुकेश सहनी को द्वारा, उससे लेकर काफी नाराज चल रही है और वो मन बना रहे हैं कि अब किसी भी अदर पार्टी को वोट देंगे मुकेश सहनी को वोट नहीं देंगे। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, सहनी समाज इस बात से बहुत उद्वेलित है कि आखिरकार क्यों मुकेश सहनी जो है वो किसी सहनी को, सहनी वोटर भी है वहां पे, भूमिहारों से बहुत कम नहीं है, 35,000 का अंतर है, तो क्यों नहीं सहनी को उतारा कि आप मल्लाहों के बेटा कहलाते हैं, सब मल्लाह करते हैं, आपकी पूरी राजनीति ही उनके इर्द गिर्द मछली भात की बात करते हैं, तो आखिरकार क्या ऐसा कारण है कि आप भूमिहार को वोट दे दिए, मतलब आपके ऊपर जो बीजेपी आरोप लगाई कि मोकामा में आप मोटी रकम लेकर चुनाव नहीं लड़े, आपके ऊपर जो बीजेपी आरोप लगाई कि हमेशा आप वोट कटवा काम करते हैं, आपको जहां से धन मिल जाता है उसी पार्टी के लिए आप काम करने लगते हैं, तो ये तो साफ हो रहा है कि आपको मतलब कहीं ना कहीं से कुछ प्रलोभन मिला है मुकेश सहनी को, तभी ना वो इतना बड़ा स्टेप लिया। आखिरकार भूमिहार वोट होता है क्या मतलब है भूमिहार प्रत्याशी कि भूमिहार वोट कटता है बीजेपी का, सीधा साधा है
इसलिए भूमिहार वोट भले ही उनको 10-15 हजार मिल जाए, लेकिन सहनी वोट जो उनको मिलने वाला भी था अगर वो सहनी उतारते वो अब छटा गया है, ये पक्की बात है। तो तीनों पार्टियों को नुकसान है, फायदा अगर किसी को हो रहा है, सिर्फ फायदा किसी को अगर हो रहा है तो वहां पर गुलाम मुर्तजा जो AIMIM अवैसी की पार्टी के प्रत्याशी है, क्योंकि उनके जो वोटर है मुस्लिम वोटर उनको इस बार किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, आरजेडी मैदान में नहीं है, सामने बीजेपी है तो बीजेपी को वोट करना नहीं है और उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो जेडीयू को वोट करे। AIMIM के प्रत्याशी अभी फायदे में दिख रहे हैं, जितना हैदराबाद की चीज है जीतने का संभावना उनका सबसे कम है, लेकिन वोट संख्या उनकी बढ़ सकती है। अच्छा, एक प्रश्न जो चल रहा था, आपने जो मेरा प्रश्न था उसका जवाब दे दिया, और एक और प्रश्न ये आ रहा है दिमाग में कि चिराग पासवान भी जा रहे हैं वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए, तो क्या जो बीजेपी की जो वोट थी पासवान वोट वो छटक गई थी, अब क्या जुड़ेगी क्या? देखिए, चिराग पासवान से जाने से सिर्फ पासवान वोट ही नहीं और भी जातियों का वोट बीजेपी के साथ जुड़ेगा। चिराग पासवान बड़े फैक्टर है भाई, मुकाबला उन्होंने साबित किया, 40,000 जीतने वाली पार्टियां 16,000 से जीती, गोपालगंज में भी उन्होंने खुद को प्रूफ किया, अकेले बीजेपी एक तरफ 7 पार्टी अकेले तभी बीजेपी जीत गई वहां पर। तो चिराग पासवान के जाने से पासवान वोटर तो जुड़ेंगे जो वहां पर 10-15 हजार वोटर है, इनके अलावा जो दलित वोटर्स है और भी जो दलित वोटर्स है, चाहे आप बैठा की बात कीजिए, आप रजक की बात कीजिए, आप मांझी की बात कीजिए, ये वोटर्स भी वहां पर जुड़ेंगे चिराग पासवान के मूव से। और भूमिहारा में तो बहुत इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अगर 2-3 बार कैंपेन कर देते हैं जाके वहां पर, तो 5-10 हजार वोट जो है वो इधर से उधर करा सकते हैं कुंडली उपचुनाव में, तो उनका फैक्टर भी काम करेगा। और मुझे लगता है कि आज पार्टी की बैठक भी है, कुछ इधर में होगी पार्टी की बैठक, उसके बाद जो खबरें आई हैं हम तक पार्टी के सूत्रों से कि चिराग पासवान वहां पर करीब 3 या 4 बार कैंपेनिंग करने पहुंच सकते हैं। 3-4 बार कैंपेनिंग करने चिराग पासवान जाएंगे कुंडली में, क्या कुछ समीकरण बन रहा है, क्या वाकई में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनसे पार्टियों को नुकसान है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। यूं ही देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।